नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के वर्तमान प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में कि वर्तमान में कौन कहाँ क्या है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करें तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं अगला वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है यहाँ पर, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रसून जोशी जो है यहाँ जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रसून जोशी। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया है हरिवंश, बी ऑप्शन है प्रकाश रावत, सी है के सिवाय और डी है एम थम्मूदुरई। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के सिवाय जो है यह अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं यहाँ पर एंटीनो गुटेरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एंटीनो गुटेरेस यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, बी ऑप्शन है अभिताभकांत, ऑप्शन सी के शर्मा, ऑप्शन डी राजीव जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र बत्रा हैं जो यह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन विजय मिश्रा, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी मुकेश मिश्रा, ऑप्शन सी है श्री रंजन गोगोई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री रंजन गोगोई हैं जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, यह अभी ही निर्वाचित हुई है। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे दोस्तों दीपक मिश्रा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओम प्रकाश रावत जी। ओम प्रकाश रावत जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन अश्विनी लोहानी, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी हरिवंश राय, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार सिन्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्विनी लोहानी जी हैं, यह वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है अश्विनी लोहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह दोस्तों रेखा शर्मा जो है यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, सेबी का अध्यक्ष कौन है? सेबी का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अमित गोयल, ऑप्शन बी अजय त्यागी, ऑप्शन सी सुरेश वर्मा, ऑप्शन डी मंजू बाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय त्यागी जी जो हैं जो है सेबी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है नीति आयोग के सीईओ हैं यह दोस्तों अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, अमिताभ कांत जी हैं जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, जो कि इंदौर से सांसद हैं। कौन? सुमित्रा महाजन हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा उपाध्यक्ष हैं एम थम्मूदुरई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, एम थम्बी दुर्रई हैं जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर,
राज्यसभा के उपसभापति कौन है? दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति कौन है, इसका राइट आंसर दोस्तों यह हरिवंश सिंह है। कौन? हरिवंश सिंह है राज्यसभा के उपसभापति। दोस्तों सभापति की बात करें तो राज्यसभा के सभापति तो भारत के उपराष्ट्रपति ही रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राज्यसभा है जो वह विपक्ष का नेता कौन है वर्तमान में? दोस्तों वर्तमान में विपक्ष का नेता है गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, सार्क के महासचिव कौन है? सार्क के महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमजद बी हुसैन हैं जो कि सार्क के महासचिव हैं। दोस्तों यह कहाँ के? पाकिस्तान के निवासी, या पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, अशोक कुमार माथुर, रवि शास्त्री, कुमार सिंह, ऑप्शन डी के वेणु गोपालन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के वेणु गोपाल जो है यह भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दोस्तों वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए बीरेंद्र सिंह धनोआ हैं, जो कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष की, तो दोस्तों नौसेना वर्तमान अध्यक्ष हैं सुनील लांबा। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है? सुनील लांबा हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर थल सेना के बारे में। दोस्तों थल सेना के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों थल सेना के अध्यक्ष यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिपिन रावत जो है यह थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कह सकते हैं चीफ ऑफ थल सेना, जो आर्मी रहती है उसके आर्मी के अध्यक्ष हैं, या फिर चीफ जस्टिस हैं, मतलब चीफ है, सबसे बड़ा अधिकारी हैं यहाँ के आर्मी के बिपिन रावत, यानी कि थल सेना के अध्यक्ष जो कहलाते हैं बिपिन रावत जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, आईबी के अध्यक्ष कौन है? इंटेलिजेंट ब्यूरो जो होता है उसके जो अध्यक्ष या फिर चीफ होता है वह कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव जैन जो है वह आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों बीएसएफ के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के शर्मा हैं जो वह बीएसएफ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है यह दोस्तों राजीव राय भटनागर हैं। कौन? राजीव राय भटनागर जो सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, आरबीआई गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है उर्जित पटेल जी। कौन? उर्जित पटेल जो है वह आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो एसबीआई स्टेट भारतीय स्टेट बैंक है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यह है रजनीश कुमार जी हैं। कौन? रजनीश कुमार जी हैं जो कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका आंसर है मल्लिकार्जुन हैं, जो कि लोकसभा समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हैं दोस्तों अरविंद सक्सेना। कौन है? अरविंद सक्सेना है वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक कुमार माथुर सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों कार्य कर रहे हैं वह, उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी वाले बाई वी रेड्डी जी। कौन? बाई वी रेड्डी जो है वह चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों
एन के सिन्हा, ठीक है, एन के सिन्हा जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं भाई कौन है वर्तमान? दोस्तों वर्तमान में टीम के कोच हैं रवि शास्त्री जी। कौन है? रवि शास्त्री जी जो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।